शुभ प्रभात देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम रोजाना की तरह आज भी जो है खबरों के पीछे की खबरों का रहस्य जो है आपके सामने लाएंगे और अपने अनुभवी पत्रकार श्री हरबंस नागोक जी जी से आपका रूबरू करवाएंगे। हरबंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अनुभव का आज भी हम पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे। दर्शकों, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज रामनवमी है। नौ नवरात्रों के बाद आज जो है माता की आराधना की जाती है। आज जो है सिद्धात्री माता की आराधना की जाएगी, विशेष प्रकार से उनकी आराधना की जाती है। और खासकर जम्मू की बात करें या फिर समूचे भारत की बात करें, हर कोई जो है कन्या पूजन भी करता है। जी हाँ, नवरात्रों के दिनों में जब लोग व्रत रखते हैं उसके बाद जो है कन्या का पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग जो है नवमी के दिन जो है कन्या पूजन करते हैं। मैं आपका दर्शकों ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूँगा, ये वही कन्या है जिनकी हम हत्या यानी कि गर्भ में हत्या करते हैं, जिनकी हम भ्रूण हत्या करते हैं, जिनको हम धरती पर आने से रोकते हैं और उन्हीं को नवरात्रे के दिनों में जो है पूजा जाता है। यानी कि एक तरफ से हम कन्या को मां का स्वरूप मानते हैं, दूसरी तरफ से इन्हीं कन्या की जो है हम हत्या करते हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आज के इस युग में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जो है कदम आगे बढ़ा रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। ना केवल माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं बल्कि इस समाज का, राष्ट्र का नाम भी रोशन कर रही हैं। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर एक महिलाएं वो मुख्यमंत्री हैं। भारत देश की बात करें, यहां पर राष्ट्रपति पद पर जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बैठ चुकी हैं, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल कर चुकी हैं जो कि सर्वोच्च जो है पोस्ट मानी जाती है। प्रधानमंत्री की बात करें, पहली प्रधानमंत्री महिला जो है इंदिरा गांधी जो है वो आसीन हो चुकी हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भारत देश जिसकी पहचान देवी देवताओं से है, वहीं पर जो है देवियों की आराधना भी की जाती है और वहीं पर जो है देवियों को यहाँ पर आने से रोका जाता है, यानी कि धरती पर रोका जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है। हरबंस जी, जिस प्रकार से नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का आज समापन होगा और हर कोई जो है आज कन्या पूजन की तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज कन्या को हम ढूंढते हैं कि कन्या का पूजन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम रेशो की बात, ये कन्या जो है कम होती जा रही है। कारण इसका यही कि या तो उनकी हत्या घर में कर दी जाती है या फिर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रितेश हरियाणा में रेशो बहुत ही खतरनाक थी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वहां से एक ऐलान किया था पानीपत से, बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाएंगे। जी, बहुत समय पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था जिस तरीके से हम भ्रूण हत्याएं कन्याओं की कर रहे हैं, तो जब कन्या नहीं होगी तो एक अलग तरीके का सड़कों पर मुकाम देखने का होगा जो भारत के लिए शर्मसार होगा। रितेश, अगर हम 2001 से 2005 तक बात करें तो अंदाज़ा आप लगा लें कि 682,000 कन्या भ्रूण हत्याएँ जो हैं माँ के गर्भ में हुई हैं, यानी कि सिर्फ 4 सालों में 682,000, अगर इसको कैलकुलेशन करें तो रितेश 1800 से 1900 प्रतिदिन जी भ्रूण हत्याएं होती थी और आज इतना पावन अवसर है, हम कन्या पूजन करते हैं जी। और हमारे जम्मू में कई स्थानों पर, जम्मू मीन्स सिर्फ जम्मू शहर नहीं है, पूरे जम्मू डिवीज़न की बात करें, इवन कश्मीर की भी बात करें, तो वहाँ पर भी जो इस धार्मिक पर्व को मनाने वाले हैं वो भी वहाँ पर कन्या पूजन करते हैं। और कई बार हमें कन्याओं की शॉर्टेज यहाँ भी पड़ती है, जब घर में कन्या पूजन करें तो गृहिणियों को ये होता है कि मैं कन्याएं इतनी चाहिए कहाँ से लाएंगे जी। तो ये सारा सबूत देता है, जबकि इतनी ज़्यादा आदर महिलाओं का है। रितेश, 5 सदियों पहले श्री गुरु नानक देव जी ने अपने ही शब्द वाणी में नारी की शक्ति को लोगों के सामने लाया था जी। नारी इतनी महान है, और वो नारी जो नारी के ही गर्भ में थी
उसकी भ्रूण हत्या कर दी और फिर नारी ही नारी की हत्या कर रही है। कई बार वो मजबूर होती है, मगर क्यों ऐसा हो रहा है रितेश? सबसे बड़ी बात हमने देखना है, चूंकि हमारे हिंदू समाज में ज़्यादा ज़्यादा हमारी अधिकतर मानसिकता ये हो गई है कि बेटी हुई तो बाप कहता है बेटा कि मुझे शमशान कौन ले जाएगा, बेटे नहीं ले जाना है, जो मुख बाती है वो बेटा ही देता है। लेकिन हरबंस जी, अगर हम वृद्ध आश्रम की तरफ नजर घुमाएं तो आज ये उदाहरण सामने दिखता है कि बेटी जो है वो दो घर का चिराग है, बेटा अगर एक घर का चिराग है तो बेटियां दो घर का चिराग है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इससे औलाद नहीं होती तो अच्छा था। आज बेटी और बेटा बराबर है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने भी इशारा किया कि बेटी का जन्म होता है तो इतनी खुशी नहीं होती है, बेटी का जन्म होता है तो हर जगह डोर नगारे जो है वो बजाए जाते हैं, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस देश को महिलाएं चला रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चला रही हैं, उसी देश में ये परंपरा है कि आज हम अफसोस मनाते हैं जब बेटी का जन्म होता है। निश्चित तौर पर आपने एक दिल को छूने वाली बात की कि एक तरफ से हम कहते हैं माता पिता का हम आदर करते हैं, मगर वही बेटा जी अपने कई बार माता पिता को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाता है, कर देता है। हमारी मानसिकता रितेश जो बन चुकी है उसको हटाना है हमने, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे अगर शास्त्रों के अनुसार हम कहते हैं जी कि अगर स्वर्ग में तो प्राप्ति तभी होगी कि अन्यथा मेरी आत्मा जो स्वर्ग में जाकर भी भटकी होगी अगर बेटा मुखाग्नि नहीं देगा, पर हमने कई जगह देखा बेटियां मुखाग्नि देती हैं जी, जिनके घर में अगर बेटा नहीं है तो बहुत जगह ऐसे उदाहरण हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन रितेश बहुत बड़ा दिन है, आज हम ये प्रण कर लें, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है जी, मगर आप अंदाज़ा लगाइए कि कानून कितना लचर है रितेश। इसके भी आंकड़े हैं कि 2014 में जो भ्रूण कन्याओं की हत्या के 50 मामले दर्ज किए गए थे, टोटल 50 जी, कितने ही हो गए मगर अपराधी के शिकंजे में सिर्फ 50 लोग आए और उसमें से 15 को सजा दी गई है सिर्फ जी। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है पहले हरियाणा में थी और अब मध्य प्रदेश में होगी। हरियाणा में प्रति 1000 के 820 जो हैं वो कन्याएं थी। तो मैं समझता हूं कि आज के पावन दिन पर अगर सारे अहद कर लें तो मैं समझता हूं कन्याओं का सदैव आदर होगा। बिल्कुल, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हर व्यक्ति को जो है महिलाओं पर गर्व होना चाहिए। कल्पना चावला का यहाँ पर उदाहरण है, हर क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं, हर क्षेत्र का यहाँ पर उदाहरण जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वो महिलाएँ ही हैं जो अपने घर को चलाती हैं, समाज को चलाती हैं और दोनों परिवारों को, यानी कि अपने मायके और ससुराल को बैलेंस बनाकर जो है वो चलाती हैं। चलिए दर्शकों, कुछ और खबरों से भी आपको रूबरू करवाएं और आपको बता देंगे घाटी में तीसरे दिन भी बंद व हिंसा देखने को मिली है। कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं जो है वो ठप कर दी गई हैं। बनिहाल श्रीनगर बनिहाल रेल सेवा जो है वो दूसरे दिन भी बाधित रही। श्रीनगर में बंद व कर्फ्यू के बीच जुलूस जो है वो देखने को मिले हैं। हिंसक झड़पों में इंस्पेक्टर सहित 12 लोग जो है वो घायल हो गए। गिलानी में मीरवाइज समेत प्रमुख अलगावादियों को नजरबंद किया गया है और आज भी जो है धारा 144 जो है वो यहां पर लागू रहेगी। तो हरबंस जी, जिस प्रकार से हंदवाड़ा का मामला आया, यहां पर कई मौतें जो है वो सामने हुई हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रितेश, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जी, एक छोटी सी घटना हुई, मगर हमें इसमें एक बात का ये भी ख्याल रखना कि हमें इतना चिंतित होना है परंतु ज्यादा भी परेशानी जी नहीं है, चूंकि ये कश्मीर घाटी में चलता आया है। कुछ अलगाववादी तत्व हैं जी, वो जब कभी ऐसी घटना कहीं भी होती है वो तिल का ताड़ बनाते हैं। बिल्कुल, और संभवतः यही हुआ, मगर 4 जाने चले गए जी, 150 से अधिक जो लोग घायल हैं उसमें से वर्दीधारी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के या अर्धसैनिक बलों के भी, वो भी तो किसी के बेटे हैं, और वो सारे घायल हुए। कुछ जगह मीडिया ने रितेश बड़ा ज़्यादा इसमें हो हल्ला भी किया, बहुत ज़्यादा, कि मीडिया को जो बैन किया गया है और इसमें मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपत्ति प्रकट की है। और रितेश, कुछ जगहों आज समाचार पत्रों में भी, कश्मीर घाटी के कुछ समाचार पत्रों में मीडिया पर भी कटाक्ष हुए हैं। वहाँ के कुछ समाचार पत्रों ने एक वर्ग के मीडिया को भी आरोप लगाया है कि एक मीडिया जो है पट्टी को दिल्ली का वन साइडेड हो रहा है, कुछ ऐसे उन्होंने बातें कही हैं, अब खास करके उस बालिका को लेकर। तो मगर मीडिया को जो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया रितेश, इसमें कल ही के कार्यक्रम में विशेष तौर पर मैंने सवाल एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी
केवी जंडियाल जी से जंडियाल से पूछा था। बिल्कुल, और वो प्रोग्राम मैं भी देख रहा था, तो उसमें आप थोड़ा गुस्से में भी नजर आ रहे थे जब उन्होंने मीडिया पर जो है, मीडिया के सवाल पर जो उन्होंने अपना बयान दिया था, तो क्यों ना दर्शकों को भी वो बाइट दिखाई जाए और आपकी राय जानी चाहिए कि आखिर आपके गुस्से की वजह क्या थी। चलिए वो बाइट देखते हैं, फिर मैं भी रितेश जरूर कहूंगा कि मुझे भी गुस्सा क्यों आया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज का जो मीडिया है, इसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो इंस्टेंट मीडिया हो गया है, और आप किसी का इंतज़ार नहीं करते, आप अपने ब्रेकिंग न्यूज़ के एक कंसेप्ट से जाते हैं, तो आप कई दफ़ा अनकन्फर्म जो वोलाटाइल सा एक एटमोसफेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपको पीस की जगह आप उसको लड़ाने की बात हो जाती है, डिवीज़न की बात होती है मुल्क में। अगर ये मुझे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी मीडिया से हैं, कि काफ़ी हद तक जो मीडिया हमारा है कई दफ़ा ना चाहने या ना अनजाने में भी वो मुल्क को तकसीम कर देता है, हमारी सोच को मजबूर कर देता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या सिख हूँ या बौद्धिस्ट हूँ, मैं दलित के साथ क्या करता हूँ या दलित अच्छा है या स्वर्ण ब्राह्मण अच्छा नहीं है, ये सोचने पर हमें मजबूर करने हो जाते हैं। ये किसका रोल है? ये मीडिया का ही रोल होता है, आप माने ना माने। तो इसलिए ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, मैं दाद देता हूँ महबूबा जी को भी और आर्मी को भी, कि कुछ वक्त के लिए ये चीज़ों से मीडिया को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या होना है? मीडिया का भी मकसद ये होता है कि पीस रेस्टोर हो जाए, लोगों की जाने ना जाए। बिल्कुल। और आपको पता है ये चार जाने चली गई, कीमती जाने चली गई, ये भी एक 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 फजूल की एक र्यूमर या मोटिवेटेड र्यूमर के कारण एक प्रोटेस्ट हो गया और लोगों को आर्मी पे हमला करना पड़ा और हमले में मारे गए। अब ये चीज़ें अल्टीमेटली क्या है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी सब्र करना चाहिए। अगर मैं जरूर डिफेंड करूंगा, और ये NIT की बातें जो बड़े सेंसिटिव मामले हैं जी। मैं बात कही कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मुल्क के हर बशिंदे को, हर शहरी को हक है कि पता लगे कि फलानी जगह पर क्या हो रहा है, सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई थोड़ी देर ले चुक जाए और उसका फ़ायदा हमें अपनी, ये बड़ी सेंसिटिव है, अब देखें हमारी जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव रियासत है, यहाँ एक भाई दूसरे के भाई को आंख से नहीं भाता है, तो इसलिए अगर उस सूरत में अगर आपको दो दिन सच्चाई चुप रहे और अगर उसमें मदद मिल जाती है कि हमें अमन आ जाता है, तो वो अच्छा है बनस्पत कि हम अपनी फ्रीडम और आज़ादी के नारों में ही डूबे रहें। और आपने देखो JNU में क्या हुआ है, और JNU के आप देखिए NIT में क्या कर लिया, JNU में आपने फसाद हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया, NIT में आपने फसाद रोक लिया। हम नहीं कहते, प्रोफेसर साहब ने इस पर बड़ा वाजह बात की है। तो ये चीज़ें आपको मीडिया को या लोगों को लगती हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं, गलत भी होती हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मकसद जो है वो मकसद अमन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, उस पर। तो हरबंस जी, जंडियाल साहब जिस बात का इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे और आपकी गुस्से की वजह क्या थी? देखिए, जंडियाल साहब का तो हम बहुत आदर करते, लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे रहे हैं, मगर एक बात है, वो राज्य सरकार कहाँ है, वो केंद्र सरकार कहाँ है? जब कोई मीडिया गलत करता, आपने उसके खिलाफ क्या आपने किया जी? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, सारा तालाब तो गंदा हो गया, मगर एक जो व्यक्ति ने गलत किया, आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं? हमारे यहाँ बहुत, और जब कोई अच्छा अधिकारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऐसे ब्लैकशिप मीडिया को बाहर निकालता है, आप उसकी प्रशंसा करने के जगह उसको ट्रांसफर करते हैं और गवर्नर रूल के अंदर करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मुझे इस बात का गुस्सा था कि आप एक गलत है, पूरे समाज को गलत मत करिए। बिल्कुल। और जंडियाल साहब ने जो कहा सही है, और उदाहरण तौर पर उन्होंने हमारी मुख्यमंत्री की बात की, सचमुच एक तरफ से मैं इसे अच्छा ये कदम मानता हूं कि अगर वो पहले दिन ही मीडिया को कुछ बोलते तो उनकी पॉजिटिविटी को, खबर को शायद कई लोग नेगेटिविटी बना के भेज देते जी। मगर मैं कहता हूं वो चांस तो दीजिए, जो नेगेटिव करता है उसको कानून के शिकंजे में लीजिए, आपके पास बहुत से कानून हैं, आप वो कानून का इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि मीडिया इज अ किंग, नो, हमारे ऊपर भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, मगर कितने लोग रितेश प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हैं? हम लोग किसी बात पे, कई बार देखा है मीडिया में, हमें किसी बात से खुन्नस होती है, हम तरीके से सूत्र करके उसको ये करके कर देते हैं, मगर दायित्व बनता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, कहीं पर कुछ ऐसा करता है उसको कानून के शिकंजे में ले जाइए। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके की अब यहाँ का शासन चलने लगा है तो वो इसके लिए भी कुछ करेगा।
चलिए जी, शासन की बात चल रही है तो महबूबा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वो कल अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है, तो हरबंस जी उनकी मुलाकात के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने खासकर विवादित बयान से जो है परहेज करने के लिए जो है भाजपा और आपसी जो लीडर्स हैं उनमें तालमेल बैठाने की बात की है, विवादित बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए रितेश, दोनों ही पार्टियों विकास के मुद्दे पर है जी, दोनों की विचारधाराएं टोटल विपरीत है जी, और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जो कहा था जी, जम्मू कश्मीर का नया आयाम देने पर जम्मू वालों की क्या गलती है, कश्मीर वालों की क्या गलती है, उनकी अपनी सोच है, लद्दाख की अपनी सोच है, मगर उनकी सोच और रितेश अलग अलग होने के बावजूद भी अब इनको मिलाने का समय आया है, और इसलिए दोनों तरफ से विवाद में बयान जो भी करे दोनों पार्टियों को समझना है, दोनों पार्टियों तरफ जो उनका नेता कोई विवादित बयान दे उसके सख्त कार्रवाई की जाए, तब आगे से विवादित बयान बंद हो गया और ये चलेगा विकास। बिल्कुल, अगर विवादित बयान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, तो निसंदेह सरकार जो है सुचारू रूप से चल सकती है। हम इस पर्टिकुलर मीटिंग की अगर बात करें, अमित शाह से लगभग एक घंटे तक जो है महबूबा की बात हुई है, उन्होंने कई मुद्दों पर जो है उनसे बात की है, रियासत की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने रूबरू करवाया, NIT की सिचुएशन के बारे में, हंदवाड़ा का केस जो है उसके बारे में बात हुई है, और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो मतलब जिनमें आपसी मतभेद है उन मुद्दों पर भी जो है चर्चा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रितेश, जब दोनों का एजेंडा ऑफ अलायंस जो उनका जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े जी, वो मुद्दे भी उभारने नहीं पड़ेंगे, अगर उधारेंगे तो हालत खराब हो जाएगी जी, और इसलिए उन्होंने लंबी इसलिए बात की है, और अमित शाह चूंकि वो राष्ट्रीय प्रधान है, यहाँ के प्रदेश प्रधान को बोलेंगे, मंत्रियों को बोलेंगे कि बिल्कुल आप रखें, विकास पर रखें, तभी बात बनेगी, अन्यथा बात बिगड़ेगी और जगह हासाई होगी। हरबंस जी, हमारे पास खबरें बहुत सी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि खबरों पर जो है आपसे विस्तार से चर्चा की जाए, छोटी छोटी खबरें लेंगे, छोटे छोटे जो है आपके बाइट लेंगे ताकि लोगों तक आपका अनुभव जो है वो पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम कश्मीर में आज़ादी की मांग उठनी शुरू हो गई है, पाक सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, नए हालात पर भारतीय एजेंसीज की जो है वो नज़र जो है वो पड़नी शुरू होगी। हरबंस जी, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो लोग जो यहाँ पर अलगाववाद की बात करते हैं, जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, देखिए किस सरबत से बदतर उनकी हालत हुई, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए भारत में सही है प्रसन्न और अपनी बात कह सकते हैं, वहाँ कोई पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा के देखे, यहाँ तो तिरंगा जलाते हैं जी। तो हरबंस जी, भारत सरकार क्या कोई कदम उठाएगी गुलाम कश्मीर को वापस लाने के लिए? देखिए लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित है और ये इनको करना ही पड़ेगा। तरुण विजय जो राज्यसभा के सदस्य और पाजन समाचार पत्र के संपादक हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक ही एजेंडा कश्मीर समस्या के समाधान के लिए, पाकिस्तान के कब्जे में जो गुलाम कश्मीर हमारा है उसको आज़ाद कराना है। अब देखते हैं ये सरकार करा पाती है कि नहीं। बिल्कुल, गुलाम कश्मीर के पास जो भारत का कश्मीर है उसको सरकार जो है प्रयास करेगी, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार के प्रयासों की बात करें तो सरकार जो है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी जो है कहीं प्रयास करे, कहीं और रास्ते खोलने पर भी जो है चर्चा हो रही है, कहीं बात हो रही है, हालांकि यहाँ पर पहले भी कई रास्ते खोले जा चुके हैं ताकि दोनों देशों में जो है संबंध सुधारे जा सकें, लेकिन कुछ नए रास्ते खोलने के प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, क्या उनको मंजूरी मिलनी चाहिए? मांग रखी गई है रितेश, जब मांग रखी जाती है, विदेश मंत्रालय का मामला है, उस पर विदेश नीति जो भारत सरकार की होती है, सरकारें चाहे बदल जाएं, विदेश नीति इतनी जल्दी बदलती नहीं है, तो मैं समझता राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया, अब केंद्र सरकार को देखना और केंद्र सरकार ही इस पर फैसला करे। बिल्कुल, कोई भी नतीजा आएगा तो वो आउटपुट जो है उसकी तरफ जो है बिल्कुल गौर कर जो है हमें कदम उठाने चाहिए ताकि जो हमने पहले कदम उठाए हुए उनका रिजल्ट क्या है और जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उनका रिजल्ट क्या हो सकता है। चलिए कुछ और खबरों की बात करें तो चीन ने सीमा पर सौहार्द बनाए रखने का वादा किया है, तो हरबंस जी एक बार फिर चीन जो है सुर्खियों पर आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे चीन की इस एपिसोड के बारे में? 4000 किलोमीटर हमारा विवादित क्षेत्र जो है चीन के साथ, एक्साई चीन के अंदर ज़्यादा हमारी समस्या है, जिस तरीके से कश्मीर चाइना ने बिहेव किया है इसे सकारात्मक लेकर हम सकारात्मक तरफ जा सकते हैं, तो हम ये ले सकते हैं कि ये पॉजिटिव वे है निश्चित तौर पर। चलिए दूसरी तरह से आपको ये भी बता दें कि गुलाम अहमद मीर ने खाली किया सरकारी बंगला, भाजपा और पीडीपी सरकार पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। हालांकि जो सरकारी आवास होते हैं उन्हें समय रहते जो है खाली कर देना चाहिए, लेकिन कुछ मंत्री या फिर हम ये कह सकते हैं जिन सरकारी बंगले जो हैं अभी तक जो हैं उन नुमाइंदों के पास हैं जो पहले सत्ता में हुआ करते थे, जिनके पास पहले पावर होती थी, हालांकि जो राज्य सरकार है उन पर उन्होंने प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया कि उन्होंने प्रताड़ित किया इसलिए वो खाली कर रहे हैं। राज्यपाल ने जो कदम अपने राज्यपाल शासन के अधीन उठाए, मुझे लगता है सरकार उसको आगे करेगी और कोई भी जो सत्ता में नहीं है जी उससे बंगले खाली करवाए जाए।
बिल्कुल, और करवाने भी चाहिए, जिसका जेन्युइन राइट होता है उसको ही जो है वो हक देने चाहिए। चलिए आपको ये भी बता दें कि इस समय बैसाखी पर्व की जो है धूम चल रही है, और जम्मू कश्मीर की बात करें, विशेष प्रकार से जम्मू की बात करें, तो यहाँ पर बैसाखी उत्सव के दूसरे दिन मुबारक मंडी में डोगरी गीतों की धूम जो है यहाँ पर देखने को मिली। हरबंस जी, कुछ ओकेजन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे दिन आते हैं जब डोगरी को याद किया जाता है, हालांकि ये उत्सव में डोगरी गीतों की धूम रही, या फिर कुछ हिंदी दिवस मनाए जाते हैं तब हमें पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की याद आती है, बाकी दिन हम डोगरी को भी भूल जाते हैं और बाकी चीज़ों को भी भूल जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गालिब, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है, कम से कम चलिए एक बार तो रितेश याद कर लेते हैं। एक फिल्म थी जिसमें नाना पाटेकर ने कहा था कि जो बुत बनाए जाते हैं 365 दिन होते हैं उसमें सिर्फ एक दिन उसको नहाया जाता, बाकी बिट्ठे ही करती हैं कबूतर या बैठकर, तो चलिए एक दिन याद कर लेते हैं, उतना भी बहुत है। मगर रितेश, पट्टी को जो बैसाखी मेले की आपने बात की जी, मैं आभारी हूँ और मुझे बड़ा ही अभिमान है कुछ शासकों पर, और ख़ास करके जम्मू डिवीज़न के अंदर। ये पहले लोहड़ी का पर्व था, इसमें लाखों रुपये खर्चे की बात कही गई थी, मगर उसको कैंसिल इसलिए किया गया कि जो मनाया गया था वो लगता है कि जो खुश करके लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया था, उस पर यहाँ के जो प्रशासक थे, तब गवर्नर रूल था, उन्होंने मना कर दिया था, अगर ये हमारी कला संस्कृति हमने इसको उभारना है, तब वो पोस्टपोन कर दिया गया था। जहाँ लाया गया कुछ काफ़ी कुछ डोगरी में दिखाया गया, मगर जो आपकी मन की पीड़ा है वो सही है, हम एक दिन ना करें। आठवें संशोधन में डोगरी किया, हम लोगों ने क्या किया, हम तो डोगरी बोलने से शर्म खाते हैं, हम अपने ही बच्चों के साथ हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं जी। तो पहले अपने घर को ठीक करिए, फिर बाहर चलिए, हम अपने बच्चों को डोगरी सिखाएं, बिकॉज डोगरी हमारे यहाँ की, यहाँ डोगरों की मातृभाषा। जो आज की जनरेशन है, अगर उनको डोगरी नहीं आती, इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है उनको डोगरी पढ़ाई नहीं जाती है, उन पर डोगरी से बात नहीं की जाती है, डोगरी कहाँ गुम होती जा रही है, ये हमारे समाज को सोचना होगा, हमारे पेरेंट्स को सोचना होगा, हमारे जितनी सोसाइटी है, हमारे गवर्नमेंट को जो है उस पर सोचना होगा कि डोगरी आठवें शेड्यूल में शामिल है, लेकिन वो गुम होती जा रही है। रितेश, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, हाल ही में एक सन ऑफ द सॉयल डोगरा कर्नल रिटायर हुए जी, डोगरे हैं वो, हमें अभिमान है। अब अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने अपने शासन जब नौकरी में थे उन्होंने कई डोगरी बुक्स लिखी, और अभी उन्होंने एक डोगरी जो बुक लिखी, अब रिटायर हो गए हैं, हमारी कोशिश होगी एक सेना में रहते हुए सेना के इस अधिकारी ने डोगरी में किताब लिखी, और उसमें डोगरी में ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखे हैं कि जिसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो उसमें डोगरी संस्था भी बड़ी प्रसन्नचित है, और ऐसे भी शख्सियत है, हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि जो कल का दिन है वो B.R. अंबेडकर के नाम रहा, कल जो है उनकी 125वीं जयंती जो है यहाँ पर मनाई गई, और हर जगह हर क्षेत्र ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हरबंस जी, कल B.R. अंबेडकर की यहाँ पर जयंती थी, हर कोई जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा, यहाँ तक कि वो संविधान की रचयिता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने ये बात कही कि आज अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं के संविधान की वजह से हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर रितेश, और पूरे देश को सम्मान है बाबा राव भीमकर अम्बेडकर पर। हरबंस जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, B.R. अम्बेडकर जो है हमारे संविधान के रचयिता है, लेकिन आज जिस प्रकार से समय में चेंजिंग्स आ रही हैं, उसी प्रकार से हमारे लॉज जो हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन पर भी चेंजिंग की अति आवश्यकता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम देखा देखी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं कि कोई दौर था, कोई युग था जब हम नदी में कॉइन फेंकते थे, एक सिक्का, लेकिन उस समय सिक्का जो है पीतल का होता था और लोग वो पानी पीते थे और कॉइन डालते थे। आज भी हम देख रहे हैं, आज लोहे के सिक्के हैं, लेकिन आप किसी भी नदी के सामने खड़े हो जाएं या कहीं पर खड़े हो जाएं, लोग आज भी सिक्का डालते हैं, उन्हें उस चीज का महत्व नहीं पता कि सिक्का क्यों डालते थे पुराने दौर में, क्योंकि उस समय आपके घरों में नल नहीं हुआ करते थे, उस समय आपको नदियों से पानी पीना पड़ता था, और उस समय सिक्के जो है तांबे के होते थे, और कहते हैं कि तांबे का पानी पीना जो अच्छा होता है, लेकिन आज लोहे के सिक्के हैं और घरों में नल भी है, लेकिन फिर भी हम देखा देखी करते आ रहे। उदाहरण के तौर पर ये मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि वही लॉज चलते आ रहे हैं, वही दौर चलता आ रहा है, हम सिर्फ फॉलो करते जा रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? रितेश, यही हमारा दुर्भाग्य है कि राशन पर भाषण है पर भाषण पर राशन नहीं, यही हमारा दुर्भाग्य। तो हरबंस जी, क्या आने वाले समय में चेंजिंग्स मिलेगी? निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद पर ये हर श्वास जो है ना वो सुखद।
हरबंस जी, समय का अभाव है, आप हमारे स्टूडियो में शामिल हुए, आपने अपनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी समर्पित रहता है। आज शाहरुख खान की फिल्म फैन जो है वो रिलीज होने वाली है और हमें उम्मीद है कि वो फिल्म जो है दर्शकों के दिलों पर राज करेगी, लेकिन ये राज कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये बॉक्स ऑफिस की खिड़कियों पर तहलका मचा पाती है नहीं पाती है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। और जिस प्रकार से वक्त अब इशारा कर रहा है आपसे अलविदा लेने का, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।